जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ पाठशाला मनोह में अधिवक्ता एस डोगरा ने शिरकत की और उन्होंने पाठशाला के समस्त छात्रों को उनके भविष्य से संबंधित अनमोल कानूनी बातें बताई। डोगरा ने छात्रों को आगामी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बैंक से लोन लेने, सूचना के आधार मोबाइल के माध्यम से छात्रों को अशोभनीय बातें व संदेश देने की सुरक्षा के उपाय, उपभोक्ता न्यायालय में अपील दायर करना, इन सभी बातों से संबंधित कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई पुरुष वर्ग किसी स्त्री वर्ग से दुर्व्यवहार करता है तब स्त्री वर्ग उसकी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से पुलिस को देकर अपनी आत्मरक्षा कर सकती है और यदि कोई पुरुष वर्ग मोबाइल के माध्यम से अशोभनीय बातें या गलत संदेश भेजता है तो इसकी सूचना साइबर शाखा को दे या फिर स्त्री वर्ग को अमानवीय तत्वों का डर रहता है तो एक सादे कागज पर पत्र लिखकर इसे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के नाम पर भेज दें। अधिवक्ता ने बच्चों से कहा कि शिक्षा ही वास्तविक धन है, इसे प्रत्येक छात्र को ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई छात्र या छात्रा किसी कारणवश शिक्षा या प्रशिक्षण ग्रहण नहीं कर सकता है तो आज सरकार द्वारा छात्रों के लिए लोन देने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आज छात्रों के लिए 7.50 लाख रुपए का लोन देने की सुविधा बैंकों द्वारा प्रदान करवाई जा रही है, जिसके लिए कोई भी गारंटी कागजात बैंक को नहीं देने पड़ते हैं और इस लोन को वापस करने की अवधि शिक्षा या प्रशिक्षण ग्रहण करने के समाप्ति के 15 वर्ष की है। डोगरा ने बच्चों को बताया कि आप किसी भी विभाग से किसी भी कार्य में संबंधित सूचना भी ले सकते हैं। यदि आपको गलत सूचना दी जाती है या फिर सूचना समय पर नहीं दी जाती है तब इसके लिए 25,000 रुपए जुर्माना व सजा का भी प्रावधान है। अधिवक्ता ने छात्रों से कहा कि कोई भी दुकानदार आपको गलत या समाप्ति तिथि की वस्तु नहीं बेच सकता है। यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है तब उसके विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। इस मौके पर पाठशाला के प्रधानाचार्य अशोक सोनी भी मौजूद रहे।